ढारूहेड़ा का निकाय चुनाव चुनाव चिन्ह मिलते ही अपने परवान चढ़ चुका है और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार हमारे पीछे का नजारा दिखाए कि किस तरीके से जो प्रत्याशी है जैसा हमने आपको कल दिखाया था जब चुनाव चिन्ह मिल रहे थे कि प्रत्याशी घर घर जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे कि किसी न किसी तरीके से उनको चुनाव जीतने का मौका मिले। और हमारे साथ है राव मान सिंह, आप देख सकते हैं इस वक्त वो एक घर में आए हुए हैं अपने समर्थकों के साथ और किसी न किसी तरीके से जो एक एक वोट है उसको चुना जाए, अपनी झोली में डाला जाए, क्योंकि राव मान सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ आपसी विवाद के चलते वो चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर जेजेपी और भाजपा के संयुक्त रूप से ये प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान के अंदर है, युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और हर आदमी की उम्मीद होती है कि जब युवा चेहरा मैदान पे हो तो क्यों ना आज के यूथ को मौका दिया जाए। हमारे साथ जेजेपी के जो है प्रत्याशी हैं बीजेपी जेजेपी के मान सिंह जी, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं एक बार उनसे भी हम बारी बारी बात करेंगे क्योंकि घर के अंदर जा रहे हैं, एक एक घरों के अंदर आशीर्वाद ले रहे हैं। पांडे जी हमारे साथ हैं क्योंकि पांडे जी इस बार इनका पूरा चुनाव जो गली मोहल्ले के अंदर किस तरीके से लोगों को मिलाया जाए, पांडे जी आपके पास आए हैं वोट मांगने के लिए और आप मदद कर रहे हैं, किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? ये सच है कि धारोला के नगर पालिका के चुनाव चेयरमैन पद के दोबारा से हो रहे हैं किन्हीं कारणों से, और इस पे हम सब लोग इस चीज के विचार कर रहे हैं कि अच्छा भविष्य धारोला का कहाँ पे होगा। और क्योंकि जज्बा बीजेपी की संयुक्त रूप से प्रत्याशी है राव मान सिंह जी और काफी अच्छा इनका बोलबाला इस बार चला है, पीछे की तुलना में इस बार बहुत अच्छा पिकअप करके आगे आए हैं। हम उम्मीद करते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाल करके तो एक एक घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहे हैं लोग, क्या लगता है एक एक वोट को निकाला जाए किसी तरीके से अपने समर्थन में किया जाए? नहीं, वोट ये तो जरूरी है और सभी प्रत्याशी ये कर रहे हैं, इसके बिना तो गुजारा नहीं है, क्योंकि जो जो बंदा जमीन से जुड़ जाएगा, व्यक्ति के घर पे जाके जो बात करेगा वो शायद फील्ड में या बड़ी सभा में नहीं हो सकती है, इसलिए इन्होंने एक अच्छा ही कदम उठाया है कि घर के अंदर बैठ के अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने बच्चों से बात करें, अपने बराबर वालों से बात करें ताकि इनको वोट के समय कोई दिक्कत ना आए। ना आपको बताएं पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं एक मैसेज गया था कि जो मान सिंह जी है करोड़पति बाप की औलाद है और शायद उनको इस चीज का फायदा नहीं मिल पाया, लोगों के जहन में एक मैसेज चला गया कि करोड़पति बाप की औलाद क्या उनका काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार मान सिंह ने स्वयं बता दिया है अकेले निकल करके कि वो युवा चेहरे हैं, सबके सामने झुकना जानते हैं और उन्हें करोड़पति बाप का बेटा ना समझने की बजाय अपना बेटा समझे और उन्हें चुनाव जिता करके मैदान में यानी कि भेजे और जब चेयरमैन पद की कुर्सी मिले तो वो एक बेटे की तरह उनका काम करे, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जाए ट्रेंड इनको कर दिया गया है, युवा चेहरा है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। मान सिंह जी आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और पहले आपने कहा जैसे कि करोड़पति के लड़के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बाप भी इन सबसे फादर लोग भी और दादा लोग भी हमारे फोर फादर लोग भी इन सबके बीच में ही बैठ के उठे हैं, वो भी पहले चुनाव लड़ते थे, उन्होंने भी पहले जीता हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है हमने पैसों का दिखावा आज तक नहीं करा है इस चक्कर में जैसे आपने बोला, पर एक चीज है कि धारवाड़ा की जनता हमें प्यार इसलिए देती है क्योंकि हम जनता के जुड़े हुए और आज से पहले भी हमने चुनाव लड़े हैं, चुनाव हमारे परिवार ने जीते भी हैं, वो जीत इसलिए आती है हमारी क्योंकि हम लोगों के बीच जुड़े रहते हैं, हमारे में पैसों का घमंड वैसे कुछ नहीं है जैसे लोगों ने अब फैला रही होगी आप में से कि यहाँ पे कोई बोल दिया होगा किसी ने, पर ये सारे प्रत्याशी हैं, ये सारे अपोजिट में बोलेंगे अभी कुछ, बाकी सबको रहना एक साथ है, बात ये भी है। तो सुना जवान चेहरा है, युवा चेहरा है और किस तरीके से मजा हुआ जवाब इन्होंने दिया है, लोगों की बोलती बंद कर दी है, जो लोग ये सोचते हैं कि ये करोड़पति बाप की औलाद है शायद काम होंगे नहीं होंगे और स्वयं खुद जमीन पर उतर रहे हैं मैदान के अंदर और बता रहे हैं कि मैं हर बुजुर्ग हर युवा और तमाम महिलाएं सबका मैं सम्मान करना जानता हूं। एक बार तमाम लोगों से जनाब क्या कहेंगे जो ये चेहरा उतरा है? बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है, लोगों में उत्साह इस बार की, इनको मौका मिलना चाहिए एक बार, युवा चेहरे बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछली बार कहां कमियां लगी आप लोगों ने? पिछली बार उम्मीदवार ज्यादा थे, थोड़ा घर घर जा नहीं पाई थी, इस चक्कर में थोड़ा बहुत लोगों को फेस टू फेस बात होने में दूसरी बात है, जिस प्रकार आज घर घर आ रहे हैं तो हिसाब से लोगों में काफी उत्साह है, ये होना चाहिए। कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ के फूंक मार के पीता है, एक बार की गलती ने मान सिंह को बता दिया है कि जब तक आप लोगों के घरों तक नहीं पहुंचोगे, द्वार तक नहीं पहुंचोगे, लोगों से नहीं जुड़ाव रखोगे तब तक आपको वोट नहीं मिलने वाला है, युवा चेहरा है। अब जान लेते हैं आखिर विजन क्या है इनके पास,
क्यों लोग इनको वोट दे, आपको वोट क्यों दे लोग, ये बताइए आपके पास क्या विजन है धारूहेड़ा के लिए। पिछली बार हमारे से गलती हुई थी, हमारी परिवार में एकजुट नहीं हो पाए थे, इस बार मैंने अपने ताऊजी से खुद जाके अपने माफी मांगी है और अपने आप ताऊजी ने सलाह करी है। हम बोल रहे थे कि आप पहले लड़ लीजिए, उन्होंने बोला नहीं बेटा इस बार तुम लड़ लो, तो हमारे बीच में वो रखी है। और लोगों ने तो पिछली बार भी हमें जितवाया था, अगर आप आंकड़ा जोड़े तो हमारे भी पिछली बार बाकी से ज्यादा ही बन रहे थे, पर यही है अब अपनी कोशिश है हमारे परिवार की भी और एकजुटता है। पिछली बार परिवार एक नहीं हो पाया था, इस बार हमारा परिवार पूरा एकजुट होकर सारे भाई लड़े। तो सुना आपने, पिछली बार दोनों लोग लड़े थे परिवार में, मान सिंह जी को 1600 कुछ वोट मिले थे और उनको 1500 कुछ वोट, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं परिवार की एकता सीधा सीधा चुनाव इनको जीता चुकी थी, मगर वोट डिवाइड होने की वजह से ये हार गए थे और कंवर सिंह यहां से चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनकी मार्कशीट ने उनको चेयरमैन पद की कुर्सी से यानी कि उतार दिया, चुनाव आयोग ने उनका चुनाव रद्द कर दिया, उसको लेकर के निकाय उपचुनाव चेयरमैन पद के हो रहे हैं और 12 तारीख को यहां पर मतदान होना है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में एचआर न्यूज धारूहेड़ा नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन इस बार आपको धारूहेड़ा की एक एक बारीकी से कवरेज एचआर न्यूज दिखाएगा और हम लोगों से अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल को एचआर न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, हमारे पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको धारूहेड़ा की हर धमाकेदार कवरेज हम आपको दिखा सके, वो मुद्दे बता सके जिसको लेकर के चेयरमैन पद के लिए लोग दम भर रहे हैं। आखिर मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं यहाँ पर अतिक्रमण का, मुद्दा है यहाँ पर जाम का, मुद्दा है यहाँ की बदहाल सड़कों का, मुद्दा है यहाँ के जो बड़े बड़े यानी कि आपको बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए, बेसमेंट बने हुए, आखिर वो कैसे बन गए, तमाम कई सारे मुद्दे हैं, उनके जवाब हर प्रत्याशी से हम मांगेंगे। और जो हमारे साथ ये समर्थक है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं, आपको क्या लगता है इस बार जो आप चुनाव मैदान में गए हो, कितना रिस्पॉन्स आपको मिला? मैं चुनाव मैदान पिछली बार भी था और अब की बार भी, तो मैंने अब की बार ये देखा है राव मानसिंह नया चेहरा है और इनके परिवार ने तो त्याग किया है जी, जनता की भलाई के लिए इनके ताऊ जी ने 2.5 साल में डीसी साहब को अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि हमारे गांव के प्रति काम नहीं हो रहा था। और जेलदार परिवार हमेशा गांव के साथ मिलकर चला है और वो जानता है काम कैसे होता है। अब नया चेहरे को किसी को बना देंगे, किसी को ये नहीं पता भाई काम कहां से करवा कर लाना है, तो इनको तो अब की बार धारा के निवासियों को बहुत बढ़िया मौका मिला है जी। ऊपर बीजेपी सरकार है, बीच में गठबंधन और गठबंधन के ये प्रत्याशी है, हम तो इनको जिताएंगे। हमें उम्मीद है मानसिंह अब की बार धारा में विकास करेंगे। इन्होंने तो अभी बिना बने भी 11 लाख रुपए मेडिकल पार्क के लिए अभी दिलवाए दुष्यंत चौटाला जी थे और वो पैसे लोग नेता वादा कर देते हैं पर इनके थ्रू वो पैसे 10 दिन में खाते में आ गए। तो ये युवा चेहरा का समर्थन है जो तमाम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं नाम बड़ा है जेलदार परिवार और धारूहेड़ा की एक बड़ी फैमिली है, बड़ा कुनबा है और यानी कि पूरा ताकतवर परिवार है। जाहिर है अगर ये इनको अगर चेयरमैन चुन के जाते हैं तो इनके हर वो काम होंगे, क्योंकि ताकत परिवार की जो है वो बताती है कि हर छोटे छोटे काम ये घर बैठे भी करा सकते हैं, किसी ग्रांट के मोहताज नहीं होंगे। तो जाहिर है युवा चेहरा है मैदान में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके पास ऐसे मुद्दे क्या है जो जनता के पास जाए और उनको लगे कि हाँ ये हमारा चेहरा काम करेगा? सबसे पहले तो जैसे अभी हम सारे बस रोड के पास बैठे हुए हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने देखा है दिक्कत है अपने अनऑथराइज कॉलोनी, इसमें भी कई समस्या आ रही है, जैसे लोगों के फिर जो रोड है वो पक्के नहीं हो पा रहे, तो उसमें जितनी भी ज्यादा ये कॉलोनी होंगी उनको ऑथोराइज करवाने की हमारी सबसे प्रथम वो प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी जैसे ये रोडों पे पानी जो ऑथोराइज भी है उनमें भी फूट हो रखी है, नाले उसमें से बह रहे हैं, तो ये हमारी वो रहेगी एकदम प्राथमिकता की, ये प्राथमिकता रहेगी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था धारूहेड़ा की स्थिति, लेकिन इस बार जो युवा चेहरा है तो उसके साथ बहुत सारे, आप तो स्वयं युवा है, क्या लगता है युवा चेहरा काम करेगा आपका? सम्मान्य जनता को हमारा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि युवा ही देश की रीढ़ है और अपने बेहतर कल और बेहतर भविष्य के लिए राव मानसिंह को वोट दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं धारा के जर्जर हालात जो आज हो रखे हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं शिविर की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान है राव मानसिंह। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इस बार जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दें और अपना सपोर्ट दें। तो वोट और सपोर्ट मांगने के लिए, क्योंकि जाहिर है पढ़े लिखे युवा हैं और लगता है एक और हमारे साथ समर्थक है, जनाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ होना चाहिए, युवा चेहरा मैदान में है। मैं आपको सबसे पहले तो पत्रकार महोदय को और जो मेरे साथ जितनी जनता है सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं
कि इस बार युवा के साथ इतने युवा वर्ग लग रहे हैं और उससे ज्यादा मजदूर जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्यों उनका कारण है मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि इस धारूहेड़ा के अंदर कुछ ऐसे पहले मुद्दे उठे थे जिन्होंने राव परिवार ने इतनी मदद करी थी, जो कंपनियां बंद हुई थी उनको खुलवाने के लिए, और सबसे बड़ी जो बेनिफिट हो रहा है आज यहां धारूहेड़ा में, मैं आपको 101% मतलब जीत की बात बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि राव परिवार सारा एक हो चुका है, राव परिवार एक हो चुका है और एक हो चुका है। और हम आपको बताएं धारूहेड़ा के आंकड़े, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बार बार बताना चाहते हैं कि औद्योगिक नगरी है धारूहेड़ा क्षेत्र और यहाँ हजारों की तादाद के अंदर अप्रवासी मजदूर है जो यहाँ रहते हैं और उनके बकायदा यहाँ पर वोट भी बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं कई छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे आधार को लेकर के हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के हो, तमाम चीजों को लेकर के बहुत सारे नगर परिषद के कार्य होते हैं, उनको करवाने के लिए राव परिवार हालांकि पहले भी लगा रहा है, लेकिन अब उम्मीद यह है कि एक बार चेयरमैन पद की कुर्सी मिल जाए और उसके बाद उनके काम जमीनी स्तर पर हो सके, और उसको लेकर के एचआर न्यूज आपको इस बार धारूहेड़ा की हर वो कवरेज दिखाएगा जिसकी जो एचआर न्यूज के दर्शकों को उम्मीद है। हम आपको बारी बारी यहां से अपडेट देंगे। ये आज हमने आपको दिखाया राव मान सिंह का अपडेट कि किस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले के घरों में जा रहे हैं, माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं, वोटरों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पोते को एक मौका दे दें, और एक मौका देने के बाद जो धारूहेड़ा की तस्वीर बदलेगी उसके लिए आप जीवन भर उन्हें याद रखेंगे, लेकिन फैसला करना है धारूहेड़ा की जनता को, जो कि होगा फैसला 12 सितंबर को मतदान के बाद। देखने वाली बात यह होगी जनता कितना जो है मान सिंह को मान सम्मान और वोटों से जिता करके चुनाव भेजती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।